मैं सुबह 4 बजे उठ गया था सर। अभी अभी उठे हैं, हाथ मुंह धो के बैठे हैं बगल में। सबसे पहले ये बताइए, बादल छूने में दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है बादल हमारे फैमिली मेंबर हो गए हैं, आसपास घूम रहे हैं। और 4 बजे मैं सोया था, काव्या जाग गया था, तो आप सोच लो कि हम दोनों कितने जिम्मेदार हैं कि एक आदमी सोता है, एक आदमी देश को उत्तराखंड को संभाल रहा है। सो एक्चुअली हुआ क्या था, 6x6 के बेड की बात हुई थी, 3x6 दे दिया गया था, तो बारी बारी से सोए। साथ में उत्तराखंड भी संभाल लिया, साथ में बारी बारी से रूम भी यूज कर लिया। ओके, ये बताइए देहरादून कैसी फीलिंग है? देहरादून बहुत अच्छा शहर है, और अब का नहीं, अंग्रेजों का भी कहते फेवरेट था, और जब से मैंने ABCD सीखी है मुझे भी बहुत अच्छा लगने लगा। और मैं पहले एक छल्ला फिल्म करके गया था, 2-3 बार यहाँ एजुकेशन के लिए मैं शो करने आया था। और जब छल्ला फिल्म की शूटिंग के लिए आए थे तो 20 दिन हम यहीं रहे थे, उस दौरान बच्चों को भी छुट्टी थी, तो पूरी फैमिली के साथ ही आए थे, और 10 दिन फिर एक्स्ट्रा मंसूरी रहे थे ऊपर। तो उसमें भी हम ना बनाना करना भी खुद ही करते थे, तो डेली मार्केट जाना, सब्जी लाना, ये आना, ऐसे लग रहा था कि हम देहरादून के नागरिक है। तो बड़ा अच्छा है यहाँ, एक तो एजुकेटेड हब है ये पूरा एजुकेशन का, और यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, मीठे हैं। आपने कहा कि लोग बड़े कमाल के हैं, सीधे हैं, बहुत मीठा बोलते हैं, हरियाणा में भी काफी अच्छा मीठा बोलते हैं, बस वो समझने वाली बात है। हाँ, हरियाणा का थोड़ा सा ये ना, हरियाणा की धरती में जोश है, हरियाणा के लोग लड़ाकू नहीं है, हरियाणा की धरती में इतना जोश है। अब आप देख लो, कृष्ण भगवान ने सारी उम्र यूपी में बंसरी बजाई, लठ बजाई यूपी में आके, फिर कहाँ का बाबर, कहाँ का अकबर, कौन मुगले, लड़ना कहाँ है, बोलो पानीपत चलो जी। वहाँ अब पता नहीं, वहाँ सरकार ने तलवारों पे सब्सिडी दे रखी है, तो वो धरती में जोश है, हरियाणा का लोग लड़ाकू नहीं है। हाँ, हाजिर जवाब जरूर है कि आप अगर गाड़ी लेके जा रहे हो और किसी को पूछ लिया ना कि भाई पेट्रोल पंप कहाँ पड़ेगा, बोले क्या बात है भाई, आग लगा होगा। और स्टाइल भी अपना ही एक है, अंग्रेजी भी बोलेंगे तो हरियाणवी स्टाइल में बोलेंगे, हाउ डू यू डू रैप। तो वहाँ का एक अंदाज है ये हरियाणा, और उत्तराखंड की तरह वहाँ भी ये है, लेकिन वो एक खड़ी बोली जिसको बोलते हैं, बी फ्रैंक जिसको बोलते हैं, जोश जिसको बोलते हैं, तो ये फर्क है। एक पहाड़ी ऐसा भी हमने वहाँ पे फीचर करी थी, आपने देखी कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसी कहानियों से ना मैं बहुत इंस्पायर हूँ। मेरे जो मोटिवेशन के जो शो है उसमें बहुत सारी ऐसी, लाइक MDH मसाले वाले बाबा ने एक पीस पीस के खुद पुड़िया में मसाला बेचना शुरू किया, आज उसका 7,000 करोड़ का एम्पायर है। ऐसे आपने जो कहानी सुनाई कि एक बिस्किट की कंपनी से छोटी से शुरू हुई, और वो धीरे धीरे करते करते लगभग 900 लोगों को रोजगार भी मिल गया, और इतने गांवों तक वो काम पहुंचा है। तो ऐसी कहानियों से मैं इंस्पायर हो के मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। मैं घर से बहुत गरीब था, मेरे पिताजी भेड़ बकरियाँ चलाते थे, भाई मेरे मजदूरी करते थे, मैंने खुद, मैं 93 में श्री गंगानगर में स्विमिंग पूल पे गार्ड रहा हूँ 1 साल। फिर मैं कपड़ा मिल, JCT मिल है वहाँ गंगानगर में, उसमें मैंने 6 साल वहाँ मजदूरी की। उसी दौरान मैंने थिएटर सीखा, तो वहाँ मैं एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर थे उनसे मिलना जुलना, जिन्होंने मुझे लगवाया था, फैक्ट्री इंस्पेक्टर थे उनसे मिलना जुलना। फिर मैं 2000 में चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ, तो मैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़ा, तो वहाँ अब पता है एडमिनिस्ट्रेशन के टू द पॉइंट सारे काम काज और टाइम की पंक्चुअलिटी, और तो वो चीज़ें मैं सिर्फ इन कहानियों से इंस्पायर हो के ही सीखा हूँ। और मैं पढ़ा भी हूँ, मैं डिग्री नहीं ले पाया कोई भी, लेकिन मुझे आज मैंने रामायण भी पढ़ी, गीता भी पढ़ी, कुरान भी पढ़ी, बाइबल भी पढ़ी, गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ा, और बहुत सारी ऐसी कहानियाँ जिनको देख देख के मैंने समझो PhD कर ली, लेकिन वो उसकी डिग्री सिर्फ मैं ही जानता हूँ और उसके निम्नलिखित रूप में कोई प्रमाण नहीं है। तो मुझे वो कहानी बहुत अच्छी लगी, और मैं ऐसा सोच रहा था कि राजस्थान में शायद मैं मेरे गांव जाऊँ तो उनको आइडिया दे के आऊँ कि पापड़ का, बड़ी का, जब बिस्किट का बिजनेस हो सकता है तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। क्या बात है, कमाल है ये तो। और राजस्थान तो भाई वीरों की धरती तो है ही, खान पान की धरती तो है ही, और संगीत जद जद देखो बनारी लाल पीली, कमाल कमाल है सर। और मेरा तो इनोश करियर वहाँ से शुरू हुआ, तो बहुत पसंद आता है। रेड FM देहरादून का पहला रेडियो स्टेशन यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट किया है 2 महीने पहले, क्या कहना चाहेंगे अपने व्यूअर्स सर? जैसा कि रात भी अपनी बात चली थी, शायद थोड़ा लेट हो गया, इतना बड़ा शहर है, एजुकेशन का हब है, जहाँ शायद सबसे पहले यहीं लॉन्च होना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, जागो तभी सवेरा। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि रेड FM अब देहरादून के लोगों को। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा।